गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो अकाउंट्स में एक न्यू चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस ब्रांच अकाउंटिंग हम चैप्टर शुरू करेंगे चलो मेरा बेटा साथ साथ ना मेरे थोड़ी सी थ्योरी लिखना शुरू करो पहले मीनिंग ऑफ ब्रांच इसमें लिखो ब्रांच इज एनी एस्टैब्लिशमेंट लिखो मेरे साथ साथ ब्रांच इज एनी एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन Carrying on either the same activity, carrying on either the same activity or substantially or substantially the same activity or substantially the same activity as that carried on by the head office by the head office of the company carrying on either the same activity or substantially the same activity as that carried on by head office of the चलो इसके नीचे बेटे लिखो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस बच्चे याद रखना है ब्रांचेस मेनली दो तरह की होती हैं ब्रांचेस मेनली दो तरह की होती हैं एक होती है आपकी डोमेस्टिक ब्रांच या आप कह सकते हो इंडियन ब्रांच और दूसरी को हम कहते हैं आपकी फॉरेन ब्रांच तो कॉपी करो पहले यहां तक ब्रांचेज दो होती हैं डोमेस्टिक ब्रांच इंडियन ब्रांच या आपसे चाहो तो इनलैंड ब्रांच भी कह सकते हो इनलैंड ब्रांच branch. तो ब्रांचेज आपकी दो तरह की होंगी डोमेस्टिक ब्रांच या फॉरेन ब्रांच अच्छा ये जो डोमेस्टिक ब्रांचेज है ना ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरे को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच तो एक आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है और दूसरी आपकी बचे इंडिपेंडेंट ब्रांच है कॉपी करो यहां तक पता है हमें ना इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में पढ़ना है पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में सेकंड mm. hmm. हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में और थर्ड हम पढ़ेंगे फॉरेन ब्रांचेस के बारे में यानी बेटा आपको ना तीन तरह की ब्रांचेस पढ़नी है डिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं और तीसरी है आपकी फॉरेन ब्रांच ठीक है कॉपी कर लो यहां तक फिर हम करना शुरू करते हैं कॉपी कर लो ब्रांचेस बचे आपकी दो तरह की होंगी डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच और डोमेस्टिक ब्रांच दो पार्ट्स में डिवाइडेड है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो हम इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस का केस फिर इंडिपेंडेंट का केस और फिर पढ़ेंगे हम लास्ट में फॉरन का केस करना शुरू करें चलो पहले आ जाओ डिपेंडेंट ब्रांचेस पे डिपेंडेंट ब्रांच इसमें लिखो अ डिपेंडेंट ब्रांच अ डिपेंडेंट ब्रांच इज अ ब्रांच अ डिपेंडेंट ब्रांच इज अ ब्रांच विच डज नॉट विच does not maintain which does not maintain a complete record of its transactions which does not maintain a complete record of its transactions of its transactions फिर लिखो हाउ एवर हाउ एवर हेड ऑफिस लिखना हाउ एवर हेड ऑफिस हाउ एवर हेड ऑफिस मे मेंटेन मे मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांचेस हाउ एवर द हेड ऑफिस मेंटेन अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांचेस हाउ एवर द हेड ऑफिस मेंटेन द अकाउंट ऑफ सच ब्रांचेस चलो बच्चे कॉपी करो पहले फिर मैं आपको समझाता हूं पता बेटा एक बात याद रखनी है आपने की एक डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है पता है डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो जो अपनी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड खुद मेंटेन नहीं करती है मतलब डिपेंडेंट ब्रांच वो है जो अपनी ट्रांजैक्शंस का वर्ड इंपॉर्टेंट है कंप्लीट रिकॉर्ड कंप्लीट मतलब पता है क्या वो अपने पास कुछ रिकॉर्ड्स रखती है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रखती है कुछ रिकॉर्ड्स वो अपने पास रखती है लेकिन कंप्लीट रिकॉर्ड्स वो अपनी ट्रांजेक्शन का मेंटेन नहीं करती है अब एक बात सोचो डिपेंडेंट ब्रांच अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है तो पता है डिपेंडेंट ब्रांच को दिक्कत किसमें आती है असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट अब क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच अपने अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है तो वो अपना प्रॉफिट असरटेन नहीं कर पाती है तो पता है होता क्या है होता यह है कि डिपेंडेंट ब्रांच के हाफ पे उसकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है हेड ऑफिस तो यहां पर मैंने नीचे लिखा है देखो हेड ऑफिस मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांचेस मतलब याद रखना डिपेंडेंट ब्रांचेस वो हैं जो अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन नहीं करती है इसीलिए इन ब्रांचेस को दिक्कत आती है इन असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट हाउएवर एच हेड ऑफिस इनके बिहाफ पे इनकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो पता है इन्हें डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है क्योंकि ना ये पूरे तरीके से ये ब्रांचेस पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, ऑन एचओ फॉर डिटर्मिनेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए यह ब्रांचेस पूरे तरीके से बेटा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी ये एचओ के ऊपर बेटा क्या रहेंगी डिपेंडेंट क्योंकि यह अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड खुद मेंटेन नहीं करती है इनके बिहाफ पे इनकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है एचओ इसलिए ये पूरे तरीके से एचओ के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ठीक है चलो बेटा कॉपी करो फिर आगे चलते हैं कॉपी कर लो इतना फिर लिखना मेथड्स फॉर अकाउंटिंग मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस अच्छा मेरे को बताओ डिपेंडेंट ब्रांचेस अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती हैं। उनके बिहाफ पे उनके अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है एचओ और पता है एचओ तीन मेथड्स फॉलो करता है फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस ठीक है कितने मेथड्स फॉलो करता है एचओ तीन मेथड्स फॉलो करता है फॉर अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस तीन मेथड्स अच्छा कौन कौन से तीन मेथड्स हैं पहला है डेटर्स मेथड फर्स्ट है डेटर्स मेथड दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और तीसरा है होलसेल ब्रांच मेथड, थर्ड है आपका होलसेल ब्रांच मेथड तो याद रखना डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग अपनी बुक्स में कौन कर रहा है एचओ और कौन से मेथड्स यूज कर रहा है फॉर अकाउंटिंग तीन डेटस मेथड एंड डेटर्स मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड अच्छा फर्स्ट मेथड कौन सा है बेटा शुरू करते हैं डेटर्स मेथड से सिंपल सा मेथड है छोटा सा मेथड है बहुत सिंपल मेथड डेटर्स मेथड पहले कॉपी कर लो इतना कॉपी कर लो लिखो डेटर्स मेथड इज यूज वेन ब्रांच इज ऑफ स्मॉलर साइज तो याद रखना अगर ब्रांच छोटी ब्रांच है तो प्रेफरेबली कौन सा मेथड यूज किया जाता है दैट इज मेथड फिर लिखो अंडर This method under this method HO head office prepares a branch account in its books prepares a branch account in its books for ascertainment. प्रॉफिट अंडर दिस मैथड एचओ प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स फॉर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट पता है सिर्फ एक, सिर्फ एक अकाउंट बनाता है और वो कौन सा है ब्रांच अकाउंट तो एचओ अपनी बुक्स में बस एक अकाउंट बनाएगा ब्रांच अकाउंट और इस ब्रांच अकाउंट की मदद से एचओ ब्रांच का क्या निकालेगा प्रॉफिट निकालेगा ठीक है कॉपी करो फिर मैं आपको आगे समझाता हूं कॉपी कर एक नोट लिखना एक नोट लिखना अंडर दिस मेथड अंडर दिस मेथड ओनली ट्रांजैक्शंस ओनली ट्रांजैक्शंस बिटवीन एचओ

क्या मतलब है समझेंगे देखो बेटा मेरे को ना एक बात का आप लोग जवाब देना बुक्स किसकी हैं एचओ की बुक्स किसकी हैं एचओ की एचओ की बुक्स में बचे अकाउंट किसका बन रहा है ब्रांच का तो लॉजिकल बात है ना बुक्स एचओ की अकाउंट किसका बन रहा है ब्रांच का तो थर्ड पार्टी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई दो ही पार्टी हैं एचओ बुक्स एचओ की हैं अकाउंट किसका है ब्रांच का तो ध्यान रखना ब्रांच अकाउंट में सिर्फ इंपॉर्टेंट है ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी विच आर डन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना तो उसके साथ करी गई ट्रांजैक्शन इस ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी क्या कहा मैंने मैं एग्जांपल्स भी दूंगा अभी एचओ है ब्रांच है और कोई थर्ड पार्टी, पार्टी है एचओ है ब्रांच है और कोई थर्ड पार्टी है मैंने क्या कहा बुक्स किसकी हैं एचओ की अकाउंट किसका बन रहा है ब्रांच का तो सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन ब्रांच अकाउंट में आएंगी जो एचओ और ब्रांच के बीच की हैं ठीक है अगर एचओ की थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या ब्रांच की थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी रीजन भी समझ आता है ना बुक्स एचओ की अकाउंट ब्रांच का तो किसी तीसरे जने का काम क्या है तो तीसरी पार्टी के साथ थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है एचओ की या ब्रांच की तो याद रखना वो ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगी ठीक है हाँ एचओ और ब्रांच की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी एचओ तो और ब्रांच के बीच की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब आएंगी एचओ की थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन या ब्रांच की थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी बेटा कॉपी करो पहले फिर आगे चलते हैं कॉपी कर लो समझ आया यहां तक आगे चलें चलो मेरी बात अभी ध्यान से सुनिए अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा देखो मैं आपको ना एक छोटा सा फॉर्मेट पहले बना रहा हूं समझाने के लिए सुनो डेटर्स मेथड कर रहे हैं हम मैंने क्या कहा आपको मैंने कहा डेटर्स मेथड में एचओ की बुक्स में बस एक छोटा सा अकाउंट बनेगा दैट इज ब्रांच अकाउंट और इस ब्रांच अकाउंट की मदद से ब्रांच का क्या निकाला जाएगा बेटा प्रॉफिट निकाला जाएगा तो ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड बेटा आपने रूल पढ़ाया ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो मेरी बात सुनो ब्रांच को जो चीजें रिसीव हो रही हैं मैंने क्या कहा ब्रांच को जो चीजें बेटा रिसीव हो रही हैं वो डेबिट होंगी और ब्रांच जो चीजें दे रहा है वो क्या होंगी क्रेडिट तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ब्रांच को जो चीजें मिलेगी ब्रांच डेबिट ब्रांच जो चीजें देगा ब्रांच क्रेडिट अब सुनो ब्रांच को क्या क्या मिलता है ब्रांच को एचओ से गुड्स मिलते हैं ब्रांच को एचओ से गुड्स मिलते हैं किसने किसको गुड्स दिए एचओ ने ब्रांच को गुड्स दिए तो ब्रांच को रिसीव हो रहे हैं डेबिट द रिसीवर डेबिट साइड पे आ जाएगा ब्रांच को एचओ से कैश मिलता है कौन दे रहा है कैश एचओ दे रहा है ब्रांच को फिर से बताओ ब्रांच को कैश क्या हो रहा है रिसीव डेबिट द रिसीवर ब्रांच को एचओ से कहीं बार असेट्स मिलते हैं तो बताओ फिर से कौन दे रहा है एचओ दे रहा है ब्रांच को तो डेबिट द रिसीवर ब्रांच रिसीव कर रहा है तो ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा अच्छा इसके अलावा सुनो हो सकता है ब्रांच को जो गुड्स ब्रांच को जो गुड्स एच से मिले थे उसमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने वापस रिटर्न कर दिए एचओ को तो इस केस में ब्रांच क्या है गिवर गिवर है तो क्रेडिट होगी गुड्स रिटर्न ठीक है अच्छा ब्रांच ना ब्रांच कैश रेमिट करता है एचओ को कैसे वो बाद में बताऊंगा ब्रांच कैश रेमिट करता है एचओ को कौन भेज रहा है कैश ब्रांच तो ब्रांच क्या है गिवर क्रेडिट होगा कैश रेमिटेड तो ना एक क्रक्स जो हमारी बात का आ गया ना वो ये आ गया कि ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो ब्रांच और एचओ के बीच में हुई हैं जो चीजें ब्रांच को रिसीव हुई हैं डेबिट होंगी जो ब्रांच जो चीजें ब्रांच दे रहा है क्रेडिट होंगी ठीक है बना लो ये बना लो चलो फिर मैं आपको ना एक प्रॉपर फॉर्मेट बनवाता हूं ये तो आपका छोटा सा फॉर्मेट था सिर्फ समझाने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बनवाता हूं ब्रांच अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट कॉपी कर लो ये करें चलो बेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ कंप्लीट फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट तो यहां पर लिखना बुक्स ऑफ एचओ और एचओ की बुक्स में बचे हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं बेटा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट फॉर्मेट बनाते हैं फिर मैं आपको ना चीजें थोड़ी थोड़ी समझाना शुरू करूंगा बना लो एक फॉर्मेट बना लो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बेटा सबसे पहले ना इस ब्रांच अकाउंट में आता है टू साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। असेट्स का बैलेंस आ जाएगा ब्रांच के असेट्स का जैसे स्टॉक का डेटर्स का स्टॉक का डेटर्स का कैश का अगर कोई असेट्स हैं ब्रांच के फिक्स्ड असेट्स तो उनका आ जाएगा अच्छा बाय साइड पे लाइबिलिटीज का ओपनिंग आ जाएगा जैसे क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो जो ब्रांच की असेट्स हैं डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज हैं क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस फिर अब सुनो एच ओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे एच ओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे तो ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए डेबिट द रिसीवर यहां पर लिखोगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच टू गुड्स एच अच्छा, ओ इसके इसके ने ब्रांच को कैश भेजा किसने भेजा ने ब्रांच को तो ब्रांच को कैश रिसीव हुआ फिर से डेबिट द रिसीवर कैश अब पता ये कैश क्यों भेजा जाता क्यों भेजा जाता है ताकि इस कैश से ब्रांच अपने खर्चों को एक्सपेंसेस को क्या कर पाए बेटा मीट आउट कर पाए बात समझ आ रही है कॉपी करते जाओ यहां तक इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छा बेटा अब आते हैं बाय साइड पे सुनो बाय साइड पे बाई साइड पे ये जो गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजे थे इसमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने वापस से रिटर्न कर दिए एचओ को तो ब्रांच गिवर है क्रेडिट द गिवर लिखो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रैकेट्स में लिखना रिटर्न ठीक है अब पता है अब होता क्या है मैं आगे वैसे कराऊंगा आपको ये जो गुड्स एच ओ ब्रांच को भेजता है ना ये वाले गुड्स ये एच ओ जो ये गुड्स ब्रांच को भेजता है ब्रांच क्या करता है इन गुड्स की मार्केट में करता है सेल सेल करके आता है पैसा और वही पैसा ब्रांच एचओ को क्या कर देता है बेटा रेमिट कर देता है कौन रेमिट करता है ब्रांच रेमिट करता है एच ओ को तो ब्रांच फिर से गिवर है तो यहां पर लिखोगे बाय कैश रेमिटेड टू एचओ एचओ को कैश क्या कर दिया रेमिट ठीक है अच्छा अब असेट्स का क्लोजिंग बाय साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन किस किस का क्लोजिंग है स्टॉक का डेटर्स का कैश का फिक्स्ड असेट्स का इनका क्लोजिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पे स्टॉक का डेटर्स का कैश का फिक्स्ड असेट्स का अच्छा लाइबिलिटीज का क्लोजिंग टू साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ठीक है ये आपका आ गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस चलो कॉपी कर लो बेटा फिर हम कंप्लीट करते हैं इसे चलो कॉपी कर लो फॉर्मेट पूरा फिर हम इसे क्लोज करते हैं और बेटा जो बचता है ना वो होता है ब्रांच का प्रॉफिट अगर टू साइड पे बच रहा है तो प्रॉफिट बाय साइड पे बच रहा है तो लॉस एंड दैट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो टू साइड पे बच रहा है तो क्या आएगा बेटा प्रॉफिट ब्रांच का प्रॉफिट और अगर बाय साइड पे आ रहा है तो क्या आएगा ब्रांच का लॉस By general profit and loss account। by side पे आ रहा है तो loss incurred by branch। बस ये format आपका हो गया Copy करो फिर मैं एक छोटी छोटी बातें एक दो आपको और बताता हूं Copy कर लो बच्चे चलो एक दो छोटी छोटी बातें आज और करते हैं अब देखो एक नोट लिखो जो मैंने अभी ऊपर भी बताया था मुझे बताओ इस ब्रांच अकाउंट में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी आर डन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच अगर एचओ ने थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी है या ब्रांच ने थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करी है वो इसमें इंक्लूड ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होगी तो यहां पर लिखना ओनली ट्रांजैक्शंस बिटवीन एचओ एंड ब्रांच आर शोन इन ब्रांच अकाउंट। तो याद रखना ब्रांच अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी बिटवीन एचओ एंड ब्रांच थर्ड पार्टी के साथ करी हुई कोई भी ट्रांजेक्शन ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होगी ठीक है अब मैं आपको ना बेटा इस बात के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं देखना जरा देखना एचओ और ब्रांच अब सुनो एच ओ ब्रांच और यहां पर मैं लिखता हूं कस्टमर बात समझना मेरी मुझे एक बात बताओ हमने अभी पढ़ा कि एचओ ब्रांच को गुड्स भेजता है कौन किसको गुड्स भेज रहा है एच ओ ब्रांच को मुझे बताओ यह ट्रांजेक्शन ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगी या नहीं बिल्कुल होगी क्यों ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच अब ब्रांच इन गुड्स की आगे कस्टमर को बताओ बेटा क्या करता है सेल अब चाहे कैश करे या क्रेडिट करे यह नहीं आएगी ब्रांच अकाउंट में क्यों बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी कस्टमर यहां पर कौन है थर्ड पार्टी ठीक है यह आपकी ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी अब हुआ क्या कस्टमर ने ब्रांच को दिया कैश ये भी ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी क्यों ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी और फिर बताओगे कस्टमर से जो कैश मिला है ब्रांच उस कैश का क्या करेगा वो एचओ को वो कैश क्या कर देगा रेमिट कैश रेमिटेड अब बताओ ये कैश रेमिटेड आएगा क्या ब्रांच अकाउंट में बिल्कुल आएगा बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन एच ओ एंड ब्रांच तो याद रखना सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी ब्रांच अकाउंट में विच आर डन बिटवीन एच ओ एंड ब्रांच थर्ड पार्टी के साथ करी हुई ट्रांजेक्शन ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होती है ठीक है अच्छा एक और एग्जाम्पल फिर से लिखो एचओ ब्रांच और यहां पर लिखना स्टाफ स्टाफ अब मेरी बात सुनो अभी मैंने ऊपर बताया था एचओ ब्रांच को कैश भेजता है क्यों भेजता है ताकि उस कैश से ब्रांच अपने खर्चों को मीट आउट कर पाए बताओ ये ट्रांजेक्शन आएगी क्या बिल्कुल आएगी क्यों? बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच फिर ब्रांच ने इस कैश से अपने स्टाफ को पे करी सैलरी बताओ ये आएगी या नहीं ये नहीं आएगी क्यों? बिकॉज इट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन स्टाफ बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ठीक है ऐसे ही पता है बेटा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो मैं आपको एग्जाम्पल्स और देता हूं जैसे अज्यूम करो सेल्स रिटर्न बैड डेट्स ठीक है डिस्काउंट अलाउड चलो मुझे बताओ अपने आप ये तीनों ट्रांजैक्शंस ब्रांच अकाउंट में शो होंगी या नहीं नहीं होंगी रीजन बताओ बिकॉज इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ये तो ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच की बात है ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी ठीक है ये ट्रांजेक्शन तो ब्रांच और कस्टमर के बीच की है थर्ड पार्टी के बीच की ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी अच्छा एक और बताओ मेरे को डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट पता है uh, सुनना पता है जो डेप्रिसिएशन होता है ना ये आपका ब्रांच अकाउंट में ना आपको इस डेप्रिसिएशन को स्पेसिफिकली आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स को आपको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है आप कहोगे सर हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल रहे हैं अगर ब्रांच का डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ब्रांच का प्रॉफिट तो इन्फ्लेट कर जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा उसका मैं आपको रीजन दू देखो ऊपर फॉर्मेट पे आओ जो मैंने फॉर्मेट आपको बनवाया था ये देखो फॉर्मेट देखो नोटिस करो आपने फिक्स्ड असेट्स का ओपनिंग लिखा डेबिट साइड पे ये फिक्स्ड असेट का क्या है ओपनिंग अच्छा नीचे आओ नीचे ये देखो आपने फिक्स्ड एसेट्स का क्लोजिंग लिखा है क्रेडिट साइड पे तो मुझे बताओ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑटोमैटिकली बताओ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया या नहीं हो गया ना ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड अब क्योंकि ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड हो चुका है आपको दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज माय डेप्रिसिएशन और जब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो आपको स्पेसिफिकली उसे रिकॉर्ड करना नहीं है तो ये रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑलरेडी रिकॉर्डेड बेटा चलो कॉपी कर लो बाकी हम कल करेंगे आज मैंने आपको पूरा एक आइडिया दिया है डेटर्स मेथड का कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ठीक है कॉपी कर लो तो बेटा ये तो एक जनरल रूल है जो आप याद रखोगे कि ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी विचार बिटवीन एच ओ एंड ब्रांच अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है ठीक है चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं थैंक यू